नमस्कार, गुत्ती की पोटली YouTube में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं YouTube पर गुत्ती की पोटली। आज मैं आपके लिए सिलाई से बनी हुई दो रंग की एक छोटी सी बो का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस बो का प्रयोग आप बच्चे की स्वेटर, कैप या शूज़ पर कहीं भी कीजिए, ये बहुत सुंदर लगती है। आपकी सिंपल से सिंपल चीज को एक बहुत अच्छा लुक देती है। आइए हम बो बनाना शुरू करते हैं। बो के लिए फंदे हम अपनी 11 नंबर की सिलाई पर और अंगोरा 11 नंबर का ही मेरा क्रोशिया है, और ये क्रोशिया मेरा अंगोरा का है। सबसे पहले हम दोनों धागों को इकट्ठा एक छोटी सी नॉट लगा लेंगे। दोनों में से कोई भी धागा एक फंदा सिलाई पर ले लेंगे और एक फंदा हम क्रोशिए पर ले लेंगे। जिस रंग का धागा क्रोशिए पर है उस रंग के धागे को मैं अपने सीधे हाथ से पकड़ लूंगी, और ओपोजिट कलर का धागा हमेशा ही मेरे लेफ्ट हैंड में रहेगा, और क्रोशिए और सिलाई की पोजीशन यही रहेगी, सिलाई नीचे, क्रोशिया ऊपर और इसकी हुक भी ऊपर। जैसे ही हम एक फंदा बनाएंगे सीधे हाथ के धागे को हम छोड़ देंगे। धागे को क्रोशिए और सिलाई से पीछे ले जाते हुए सीधे हाथ में पकड़ लेंगे और ओपोजिट कलर के धागे से फिर से एक फंदा बनाएंगे, और जैसे ही फंदा बनाने लगेंगे सीधे हाथ के धागे को हम छोड़ देंगे। इस धागे को क्रोशिए और सिलाई से पीछे के दोनों के बीच में से पीछे ले जाएंगे और सीधे हाथ से पकड़ लेंगे। ओपोजिट कलर के धागे से हम फंदा बनाएंगे, पोजीशन हमारी सेम रहेगी। सिलाई नीचे, क्रोशिया ऊपर और इसकी हुक भी ऊपर। जैसे ही हम फंदा बनाएंगे धागे को हम छोड़ देंगे, लेफ्ट राइट हैंड साइड के धागे को छोड़ देंगे। धागे को क्रोशिए और सिलाई से पीछे लेकर जाएंगे, सीधे हाथ में पकड़ लेंगे। ओपोजिट कलर के धागे से फिर से हम एक फंदा बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए पहले हम सिलाई पर 14 स्टिचेस बनाएंगे, 14 फंदे बनाएंगे। एक फंदा मेरे पास क्रोशिए पे है, इसको भी हम सिलाई पर पलट देंगे तो टोटल फंदे हमारे 15 हो जाएंगे। चौदह फंदे सिलाई पर हैं तो 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 1 15। अब हम इसके ऊपर हमको बिल्कुल सिंपल सीधा सीधा बनाना है। पहला फंदा हम स्किप करेंगे, और आखिर के एक फंदे को छोड़कर सारी सिलाई हम सीधी ही बनाएंगे। फंदे बहुत आसानी से बुने जाते हैं। ये फंदा आखिर का फंदा हम उल्टा बना लेंगे। एक बार सिलाई बनने के बाद आप देख सकते हैं कि फंदे कितने सुंदर बनकर आए हैं। अब हम रॉन्ग साइड से
पहला फंदा सीधा स्किप करते हुए आखिर का एक फंदा छोड़ने तक सारी सिलाई हम सीधी बनाएंगे। इस बार हम इस फंदे को बिल्कुल ऐसे ही ले लेंगे, सिर्फ एक बार। इसके ऊपर अब हम ब्लैक कलर से बनाएंगे। और सारी सिलाई हम सीधी बनाएंगे, आखिर का एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। आखिर का फंदा उल्टा। अब हम सीधी साइड से, सॉरी रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्किप करेंगे और सारी सिलाई हम सीधी बनाएंगे और आखिर का फंदा मैं आपके सामने बनाऊंगी। आखिर का फंदा बनाने के लिए अपनी सिलाई पर धागे से क्रॉस डालते हुए आखिर का फंदा हम हमेशा ओपोजिट कलर से बनाएंगे, रॉन्ग साइड से। अब इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी ब्लैक कलर से चार बार धारी बनाएंगे और पीच कलर से पांच बार बनाएंगे। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। इसका एक बार मैं आपको आखिर का फंदा कैसे बनाएंगे बता दूंगी, और वैसे हमको बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। रॉन्ग साइड से आखिर का फंदा धागे में क्रॉस डालते हुए आखिर का फंदा बना लेंगे। अब हम इसी तरह से बनाते हुए पहले अपनी बो में बो की लंबाई कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर बो की लंबाई कंप्लीट करने के बाद अब हम फंदे भी बिल्कुल सेम मेथड से ही बंद करेंगे। एक फंदा काला तो दूसरा फंदा पीच कलर का। एक फंदा पीच कलर का, दूसरा फंदा काले रंग से। फंदे बंद करने का तरीका बिल्कुल सेम है। इसी तरह से बंद करते हुए पहले मैं सारे फंदे बंद कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने अपने सारे फंदे बंद कर लिए हैं। पहले हम सुइस में धागा डालकर सारे धागे अंदर करेंगे, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ से हम अपने बिल्कुल सेंटर के फंदे से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, यहाँ से इस ओर से भी हम इसी तरीके से लेंगे। अब हम इसको जोर से खींच देंगे और इस ओर हम इसकी एक अच्छी सी पक्की सी गांठ लगा देंगे।
यहाँ पर एक छोटी सी प्यारी सी बो बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुट्टी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुट्टी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।